हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्यूब टेस्ट। क्यूब टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आप फुल में से फुल मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी हमने पार्ट वन बनाया है। अगर क्यूब टेस्ट का पार्ट वन आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हमने फिगर पोजिशन शिफ्टिंग के भी 3 वीडियो अपलोड किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्यूब टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो अपना प्रश्न संख्या 1 पे चलते हैं। पहले मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, क्यूब टेस्ट में ओनली एक ही नियम लागू पड़ता है कि आपको सामने के क्यूब जो आपको रियल में दिख रहे हैं उन्हें नहीं गिनना। ओनली केवल जो क्यूब छुपे हुए हैं, हिडन क्यूब है, उन्हें ही देखना है। तो चलते हैं प्रश्न 1 की तरफ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्रश्न 1 में हमें इन क्यूब को नहीं गिनना, ओनली इनके नीचे जो क्यूब छुपे हुए उन्हें ही गिनना है। तो आप देख सकते हैं इसके नीचे एक क्यूब छुपा हुआ है, इसके नीचे एक क्यूब छुपा हुआ है, इसके नीचे एक क्यूब छुपा हुआ है और इसके नीचे 2 क्यूब छुपा हुआ है। तो टोटल 5 क्यूब ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 5। इसका आंसर होगा 5। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स, अपना अगला प्रश्न 2 है। तो देख सकते हैं आप प्रश्न संख्या 2 में ये सारे क्यूब को हमें नहीं गिनना, बिकॉज ये दिख रहे हैं। तो चलते छुपे हुए क्यूब ढूंढने। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसके नीचे एक क्यूब छुपा हुआ है, इसके नीचे एक क्यूब छुपा हुआ है, इसके नीचे एक क्यूब छुपा हुआ है, इसके नीचे एक क्यूब छुपा हुआ है और इसके नीचे 2 क्यूब छुपा हुआ है। तो टोटल 6 क्यूब ऐसे है जो हिडन है, छुपे हुए है। तो प्रश्न संख्या 2 का आपका आंसर हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तो फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 3 में आप देख सकते हैं इस क्यूब के नीचे एक क्यूब छुपा हुआ है और इस क्यूब के नीचे एक क्यूब छुपा हुआ है, इसके नीचे 2 क्यूब छुपे हुए हैं, इसके नीचे एक क्यूब छुपा हुआ है और इस क्यूब के नीचे टोटल 2 क्यूब छुपे हुए हैं। तो आपका 7 क्यूब ऐसे है प्रश्न संख्या 3 में जो छुपे हुए हैं, हिडन है। तो प्रश्न संख्या 7 का आपका आंसर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 3 का आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 7 क्यूब ऐसे जो छिपे हुए हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। तो फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 4 में आप देख सकते हैं इसमें कितने छुपे हुए क्यूब है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसके नीचे एक क्यूब छुपा हुआ है, इसके नीचे एक क्यूब छुपा हुआ है, इसके नीचे एक क्यूब छुपा हुआ है और इसके नीचे एक क्यूब छुपा हुआ है। तो फ्रेंड्स, टोटल 4 क्यूब ऐसे है जो हिडन है, छुपे हुए है। तो प्रश्न संख्या 4 का आपका आंसर हो जाएगा 4 क्यूब ऐसे है जो छुपे हुए है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 5 में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसके पीछे एक क्यूब छुपा हुआ है, इसके नीचे एक क्यूब छुपा हुआ है और इसके नीचे 2 क्यूब छुपा हुआ है। टोटल 4 क्यूब ऐसे है जो हिडन है। तो प्रश्न संख्या 5 का आपका आंसर हो जाएगा 4। चलते प्रश्न संख्या 6 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 6 में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसके नीचे जो है एक क्यूब छुपा हुआ है, इसके नीचे एक क्यूब छुपा हुआ है और इसके पीछे जो है 2 क्यूब छुपे हुए हैं। तो टोटल 4 क्यूब ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं और हमें ये इन्हें और इन्हें नहीं गिनना कि बिकॉज ये सामने से दिख रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 6 का आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा आपका 4। चलते प्रश्न संख्या 7 की तरफ। तो फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 7 में आप देख सकते हैं इसके नीचे 2 क्यूब छुपे हुए हैं, इसके नीचे 2 क्यूब छुपे हुए हैं, इसके नीचे 3 क्यूब छुपे हुए हैं और फ्रेंड्स इसके नीचे 1 क्यूब छुपा हुआ है। तो टोटल आपके 8 क्यूब ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं, 2 इसके फ्रेंड्स 3, इसके 2 और इसका 1। टोटल फ्रेंड्स 8 प्रश्न संख्या 7 में फ्रेंड इसका 3 क्यूब, इसके 2 क्यूब और इसके 1 क्यूब। टोटल 8 क्यूब ऐसे है प्रश्न संख्या 7 में जो छुपे हुए। तो आपका आंसर हो जाएगा 8। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 8 में आप देख सकते हैं ये सारे क्यूब को हमें नहीं गिनना बिकॉज ये सामने से दिख रहे हैं, तो हमें खाली छुपे हुए क्यूब ही देखना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 8 में
इसके नीचे दो क्यूब छुपा हुआ है, इसके नीचे दो क्यूब छुपा हुआ है और इसके नीचे एक क्यूब छुपा हुआ है। तो आपके पांच, आपके पांच क्यूब ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं। तो प्रश्न संख्या आठ में आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या आठ में आपका आंसर होगा पांच, बिकॉज पांच क्यूब छुपे हुए हैं, दो इसके और एक इसका। चलते हैं प्रश्न संख्या नौ की तरफ। तो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या नौ में आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके नीचे दो क्यूब छुपा हुआ है, इसके नीचे दो क्यूब छुपा हुआ है, ये क्यूब के नीचे दो क्यूब छुपा हुआ है और इसके नीचे फ्रेंड्स एक क्यूब छुपा हुआ है। तो टोटल आपके सात क्यूब ऐसे है जो हिडन है। तो प्रश्न संख्या नौ में आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सात। एक बार फिर से देख लेते प्रश्न संख्या नौ को फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दो क्यूब इसके नीचे, दो क्यूब इसके नीचे, दो क्यूब इसके नीचे और फ्रेंड्स दो क्यूब इसके नीचे और एक क्यूब इसके नीचे। तो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या नौ में टोटल नौ क्यूब ऐसे है जो हिडन है। तो प्रश्न संख्या नौ का आपका आंसर हो जाएगा नौ, नौ हो जाएगा फ्रेंड्स। सॉरी मैंने सात बता दिया, इसलिए मैं गलती है मेरी, क्षमा चाहता हूँ। चलते प्रश्न संख्या नौ की तरफ, दस की तरफ। तो प्रश्न संख्या दस में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि एक क्यूब इसके नीचे छुपा हुआ है, एक क्यूब इसके नीचे छुपा हुआ है, एक क्यूब इसके नीचे छुपा हुआ है और फ्रेंड्स दो क्यूब जो है इसके नीचे छुपे हुए हैं। तो टोटल पांच क्यूब ऐसे है प्रश्न संख्या दस में, पांच क्यूब ऐसे है जो छिपे हुए हिडन है। तो प्रश्न संख्या पाँच का आपका आंसर हो जाएगा पाँच। तो फ्रेंड्स ये थे क्यूब के दस प्रश्न। इसके अलावा हम क्यूब का पार्ट थ्री भी लाएंगे जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और उसमें आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स एक आरआरबी की जो एएलपी का रिजल्ट आया था उसमें एक मिस्टेक देखने को मिली है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स जो आरआरबी का भी जो रिजल्ट आया है उसमें जो मास्टर क्वेश्चन पेपर है उसमें कई स्टूडेंट के दो से तीन प्रश्न को इग्नोर कर दिया गया था। सपोज़ किन्हीं स्टूडेंट का दो प्रश्न इग्नोर किया है तो उनके जो मार्कशीट थी उसमें तीन प्रश्न शो कर रहा है, जिनके कारण उनके मार्क्स कम हो चुके हैं और ये मार्क्स आपको साइको में नड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा मानना ये है कि आप जिस जोन में आपने फॉर्म भरा है उस जोन के आरआरबी में आप ट्यूट करो ताकि आपको मार्क्स की रिकवरी हो सके। बिकॉज कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 0.1 के कारण भी मेरिट से वो आउट हो चुके हैं। तो जिन्हीं भी मेरे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है तो वो अपने अपने जोन में ट्यूट कर सकता है रेलवे को और इसकी जानकारी ले सकता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स कल हम जो है क्यूब का पार्ट थ्री लाएंगे और ब्रिक्स का भी पार्ट थ्री, दोनों मिक्स टेस्ट रखेंगे ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।